हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी स्टेशन। तो आज मैं ओरिफ्लेम सन जोन SPF 50 सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सनस्क्रीन यूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप SPF 30 यूज करें या SPF 50 यूज करें, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू यूज सनस्क्रीन। अगर आप कड़ी धूप में बाहर जा रहे हो तो SPF 50 यूज कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा धूप में नहीं जा रहे हो या घर में हो तो SPF 30 भी काफी है। तो ये जो ओरिफ्लेम की सनस्क्रीन है, दिस इज SPF 50 सनस्क्रीन। इसमें UVA एंड UVB हाई प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उसमें UVA एंड UVB फैक्टर होता है, जो आपकी स्किन को डैमेज करता है, स्किन पे एजिंग के स्पॉट्स लेके आता है एंड स्किन को बर्न भी करता है। तो उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ओरिफ्लेम की SPF 50 सनस्क्रीन है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। दिस इज नॉन स्टिकी एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो आप अगर स्विमिंग के लिए जा रहे हो या वाटर पार्क में जा रहे हो तो यू कैन यूज दिस सनस्क्रीन, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है। ऑल्सो ये सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये सुटेबल है और ये बहुत जेंटल फॉर्मूला है। इसमें कोई भी अल्कोहल यूज नहीं किया, इसमें कलरेंट्स यूज नहीं किए एंड इसमें कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसमें पैराबेंस भी नहीं है। इसकी MRP 799 रुपीज है, बट यू कैन गेट इट ऑन डिस्काउंट इन ओरिफ्लेम इन डिफरेंट मंथ्स। तो ये जो सनस्क्रीन है ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, तो ये आपको स्वेटी या स्टिकी नहीं फील कराएगी। अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपकी वेरी ड्राई स्किन है तो इसके पहले आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हो और ये आपको अंडर मेकअप भी अच्छे से काम करेगी। अगर आपके फाउंडेशन या CC क्रीम या BB क्रीम में कोई SPF फैक्टर नहीं है तो आप पहले सनस्क्रीन को लगाइए एंड देन वो क्रीम लगाइए। अगर उसमें ऑलरेडी है तो यू कैन अवॉइड यूज ऑफ सनस्क्रीन। तो अब मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज क्रीमी फॉर्मूला एंड इट गेट्स इजिली एब्जॉर्ब्ड इन टू द स्किन। ये शुरुआत में थोड़ा शाइनी दिखता है, बट जैसे ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है स्किन में, इसका शाइनीनेस एंड स्टिकीनेस चला जाता है एंड इट गिव्स नाइस मैट इफेक्ट ऑन द स्किन। तो सनस्क्रीन आपको घर से बाहर निकलने से 15 टू 20 मिनट्स पहले लगानी है एंड देन यू कैन गो आउट इन द सन। और ये अगर आपको स्टिकी या ऑयली लगे तो उसके ऊपर आप टैल्कम पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के सेट कर सकते हो एंड उससे आपको ऑयलीनेस या स्टिकीनेस नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे साइड से SPF 50 ओरिफ्लेम सनस्क्रीन का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू।